धर्मपुरी क्षेत्र के ब्राह्मणपुरी गांव के नजदीक एक बिना मुंडेर के कुएं में बीती रात बछड़े का शिकार करने के दौरान गिरे तेंदुए को सूचना के बाद वन विभाग के विशेष रेस्क्यू दल ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद निकाल ही लिया। याद रहे कि उक्त तेंदुआ बीती रात ब्राह्मणपुरी गांव में एक बछड़े का शिकार करने के दौरान कुएं में गिर गया था, जिसकी खबर गांव वालों को मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए थे तथा वन विभाग व पुलिस को भी सूचना दी गई थी। इसके बाद पुलिस व वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया था तथा कुएं में गिरे तेंदुए को निकालने का प्रयास किए जाने लगे। इस दौरान वन विभाग धार द्वारा इंदौर से विशेष रेस्क्यू दल भी बुलवाया गया था, जिसने एक पिंजरे को रस्सियों से बांधकर कुएं में उतारा तथा कुएं की खो में बैठे तेंदुए को करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इस दौरान वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में जमा लोगों को सावधान करती रही। वहीं जिला वन मंडल अधिकारी सत्येंद्र कुमार सांगर के मार्गदर्शन में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था तथा तेंदुए को कुएं से सुरक्षित निकालकर मांडव क्षेत्र के जंगल में सुरक्षित छोड़े जाने की बात कही गई है। बस भी क्लिक कर लो फटाफट यार। ये हमको सूचना मिली थी कि रात को कोई तेंदुआ बामनपुरी के पास एक कुएं में, जिसपे मुंडेर नहीं थी, बिना मुंडेर का कुआं था, उसमें शिकार को ले जाते समय गिर गया। तो हमने तत्काल अपने स्थानीय दल को, अपने वन विभाग की टीम को वहाँ पे मौके पे भेजा, पता किया, कंफर्म किया। और जब हमको सूचना हमारी सत्य पाई गई तो हमने उस सूचना के आधार पर अपने वरिष्ठ से मार्गदर्शन लिया और अपने जो इंदौर से हमने रेस्क्यू दल को बुलाया, रेस्क्यू दल तत्काल वहाँ पे पहुँचे और हमने पिंजरे की मदद से पिंजरे को कुएं में उतारा और रस्सी से बांध के और उसको तेंदुए को सुरक्षित पिंजरे में रेस्क्यू कर लिया और उसको बाहर निकाल लिया। तेंदुए को भी हमने रेस्क्यू किया, अभी अभी रेस्क्यू किया है और उसको स्वतंत्र विचरण करने के लिए मांडू के और आसपास या